2024 नए सपने नई उड़ान, ढेर सारी कोशिशों के साथ और ढेर सारे भरोसे के साथ हम सब इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत हो रही है तो एक नज़र डालना बनता है आपके निवेश के पोर्टफोलियो पर भी, ताकि आप कामयाबी की नई उड़ान को छू सके। इस बेहद खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ बेहद खास मेहमान भी हैं जो इस पूरे साल में आपकी निवेश की कठिन डगर को आसान बनाने में आज मेरे साथ जुड़ेंगे। स्वागत करती हूँ। ये तीनों मेहमानों को वैसे किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी कोटक एएमसी के निलेशा मेरे साथ है, मंजा मेनू लाइफ और एम्फी के वीसी मेरे साथ एंथनी हिरेडिया और रमेरा एसेट एएमसी के स्वरूप मोहंती। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को, और आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि कामयाबी और मुनाफे की नई उड़ान आप भी छुएं इस साल। निलेश जी, स्वागत आपके साथ करना चाहती हूँ, और जल्दी से एक राउंड, नया साल जब भी होता है तो हम नए नए वादे अपने आप से करते हैं, अपनी जिंदगी से करते हैं, निवेश को लेकर आपके क्या वादे होंगे, आपके निजी निवेश के वादे पूछ रही हूँ। धन्यवाद कविता। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। एंड निवेश के मामले में मैं जो आज से 20 साल पहले करता था वही पिछले साल किया और वही अगले साल करूंगा। तीन चीजें बहुत जरूरी है निवेश के लिए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, वो पहले भी करते थे, आने वाले समय में भी करते रहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ ये कह सकता हूँ कि जितना पैसा मैं कमाऊंगा अपने बच्चों के लिए ही छोड़ के जाना है, मुझे तो कुछ यूज नहीं करना है, तो उस अवधि से मैं निवेश करता हूँ। और तीसरा है डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन। जो लोगों को कहते हैं कि आप अलग अलग प्रकार की एसेट क्लास में अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करिए, वो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ और पिछले साल किया था, अगले साल भी करेंगे। तो कोई नया चीज, नया पैंतरा नहीं अपनाएंगे, अपनी गाड़ी अच्छी चल रही है बस उसी को चलाते रहेंगे। बिल्कुल, गाड़ी अच्छी चल रही है और इसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। एंथनी जी, बताएं आपका वादा आपके साथ, अपने निवेश के साथ इस साल क्या होगा? कविता जी, शुक्रिया। पहले चीज, आपके दर्शकों को नए साल के शुभकामनाएं। वादे के हिसाब से मैं बोलूंगा, पहले वादा होगा कि आप चीजें को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। इन्वेस्टिंग एक्चुअली काफी सिंपल है। लॉन्ग टर्म रहिए, सबर रहिए, इमोशनल मत होइए। पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में, वो पहला। और जैसे नीलेश भाई ने कहा था कि ये वादे आज ये साल के लिए नहीं है, ये वादे तो पिछले 5-10 साल के लिए भी एप्लीकेबल है। दूसरा वादा थोड़ा मैं लाइटर वैन में कहना चाहता हूँ। जो सलाह मैं इन्वेस्टर को देता हूँ, मैं अपने सलाह में खुद लूँ वो मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म होइए, पोर्टफोलियो को देखिए मत एक्सेट्रा। लेकिन क्या है कि हम मार्केट वाले हैं तो हमको लगता है कि हम सब चीज जानते हैं, तो इसलिए हम ये करते हैं, ये इन्वेस्ट। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म रहिए, सबर रहिए, इमोशनल मत होइए, कॉमन सेंस रखिए। एंड आई थिंक इवेंचुअली लॉन्ग टर्म 2024 के बारे में सोचिए मत, 2030 के बारे में सोचिए, ये मेरा राय होगा। चलिए, ये तो बढ़िया लाइन आपने कही, 2024 नहीं 2030 के बारे में सोचिए। स्वरूप, आपका क्या वादा होगा अपने आप से और अपने निवेश से? कविता, एक तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड विश ऑल योर अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, निवेश एक बहुत ही अनइमोशनल जर्नी होता है और बहुत ही बोरिंग सा जर्नी होता है। जितना आप इसको मैथमेटिकल बना दे उतना बेहतर। तो जॉब विल बी टू मेक इट मोर बोरिंग नेक्स्ट ईयर। एक एक प्रोसेस चल रहा है, जैसे बोध नीरज भाई एंड एंटनी ने कहा, उसी को ही जारी रखें। इंडिया एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरल पोजिशन पे आ चुका है, और ये मैं कुछ 2000 से कह रहा हूँ कि सेल इंडिया एट योर ओन रिस्क, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे प्रॉपरली एलोकेटेड। हाँ, रिव्यू जब आता है तो रूथलेसली रिव्यू, और उसको रिपीट करते जाएं। जब तक आपका गोल रीच नहीं होता है तब तक फॉलो दिस प्रोसेस मेटिकुलसली, अनइमोशनली। वो अभी ये उम्र में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, पहले ऐसे नहीं था, हम काफी मार्केट टाइमिंग करते थे, बट वो दिन गए। अभी तो एक एक्यूमुलेशन फेज है लाइफ में, टुवर्ड्स रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग।
तो वो एक फेज को बहुत सीरियसली लेके स्टे इन्वेस्टेड, इट्स प्रोबब्ली द बेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड नाउ, एंड रियलाइज दैट एंड एक्सपीरियंस द पोटेंशियल। चलिए तो अर्जुन बनिए, और अर्जुन बनकर केवल मछली की आंख पर ही आपको ध्यान देना है, यानी अपने पोर्टफोलियो और अपने आर्थिक लक्ष्यों की ओर। अब थोड़ा सा दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं। भूमिका तो हमने बांध दी, जहां पर आपने अपने वादों के जरिए एक तरह से हमारे दर्शकों को सीख भी दे दी कि कैसे 2024 की शुरुआत वो कर सकते हैं अगर अब तक नहीं की हो, और अगर करते आए हैं तो आगे कैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन नीलेश जी, क्योंकि हम 2024 शुरुआत करेंगे चुनावी मेले के साथ, चुनावी त्योहार के साथ, जो स्टेट इलेक्शंस गए वहां पर, अब देखकर क्या लगता है, जो लड़ाई है वो क्या एक तरफा हो चुकी है और बाजार ने इसको पहले से ही फैक्टर इन कर लिया है? तो कविता ने तो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी स्टेट इलेक्शन के नतीजों के पहले से ही डिस्काउंट करके रखी है। अब स्टेट इलेक्शन के नतीजों के बाद उम्मीद यह है कि भारत की ग्रोथ रेट जो मिड सिंगल डिजिट के आसपास रहती थी, वो यहां से और रफ्तार पकड़ के हाई सिंगल डिजिट के आसपास पहुंच जाएगी। दूसरा, मार्केट ये भी उम्मीद लगा रहा है कि ग्रोथ के साथ साथ हम अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिस्कल प्रूडेंस को नहीं भूलेंगे। इलेक्शन के नतीजे पुरवार करते हैं कि लोगों को फ्रीबीज में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को कास्ट रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को जॉब्स, डेवलपमेंट और ग्रोथ में इंटरेस्टेड है। तो 2024 के बाद वाली सरकार में कंटिन्यूटी रहेगी और भारत की ग्रोथ को और रफ्तार देने की कोशिश की जाएगी, ऐसी मार्केट की उम्मीद है। और आपने एक बहुत चीज अच्छी कही कि अर्जुन की तरह मछली की आंख देखी है। मैं ये कहूंगा कि अर्जुन की तरह आप सही सलाहकार चुनिए। महाभारत में कहते हैं अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे थे उनकी सहायता के लिए। दुर्योधन पहले पहुंचा था बट वह भगवान कृष्ण के सिरहाने बैठा था। अर्जुन बाद में पहुंचा था बट सिंस भगवान कृष्ण सो रहे थे तो उनके पांव के पास खड़ा रहा। जब भगवान ने आंखें खोली तो पहले अर्जुन को देखा और फिर दुर्योधन को। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने आपको पहले देखा है तो आप बोलिए आपको क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा मैं पहले पहुंचा हूं, मुझे पहले मौका मिलना चाहिए। अंत में यह हुआ कि दुर्योधन ने यादव सेना मांग ली और अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को मांगा और महाभारत का युद्ध का परिणाम उसी दिन तय हो गया। तो हर निवेशक को भी अर्जुन की तरह अच्छे सलाहकार को, श्री कृष्ण जैसे सलाहकार को चुनना चाहिए। बिल्कुल, और इस पूरे समीकरण में अगर आपके पास अभी भी कोई सलाहकार नहीं है तो ET9 स्वदेश आपका सलाहकार है। स्वरूप, आपके पास आऊंगी, क्योंकि वित्त वर्ष की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में बजट का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे ये बताइए, अब जैसे कि हमने देखा जो चुनाव गए राज्यों के, वहां पर फ्रीबीज और रेवड़ियों का तो कुछ खास असर होता हुआ हमने नहीं देखा है। बजट भी वोट ऑन अकाउंट होने वाला है अगर हम फरवरी की बात करें, बाकी जो फुल फ्लेज्ड आएगा वो तो इलेक्शन नतीजों के बाद ही आएगा। तो अब की भी हमें कुछ खास उम्मीदें, वैसे तो नॉन इवेंट ही होगा ऐसा समीकरण या संभावनाएं लग रही हैं, लेकिन क्या मिडिल क्लास को, बिकॉज ये भी खबरों में है और ये भी जानकार समझ रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ टैक्स के लिहाज से खुश करने की बातें आ सकती है, आपका एनालिसिस इन इन राज्यों के चुनावों को लेकर और बजट में क्या किसी भी तरह से राहत मिडिल क्लास को खासतौर से ध्यान में रखते हुए? देखिए कविता, आप अगर दो तीन चीजें आप महसूस करें ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स, ये कंट्री में एक स्ट्रक्चरल चेंज बार बार टुवर्ड्स रिफॉर्म्स चलते आ रहा है। आई डोंट सी उस पर कोई चेंज होगा। एक आर्थिक व्यवस्था पे डिपेंड होता है बजट, बट धीरे धीरे अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो थोड़ा बहुत हम लोग पोस्ट कोविड जो इम्पैक्ट था उससे भी उभर के आए हैं। और जो कंट्री का एक स्टेटस है, और आप कोई भी डेटा पॉइंट लेके जाएं बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, एक ड्रामेटिक चेंज आया है सिस्टमेटिकली ईयर ऑन ईयर आफ्टर आफ्टर कोविड इन इंडिया। ऐसे जो डेटा पॉइंट्स पे हम बैठे हैं ये वर्ल्ड के विपरीत है, राइट? और डेटा का भी गलत नहीं होता है,
जो अभी जो हम कंक्लूड कर रहे हैं अबाउट इंडिया, ये प्योर डेटा ड्रिवन है, और जो एक कंट्री एक आईटी ड्रिवन या सर्विस ओरिएंटेड था, धीरे धीरे एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है, जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, एक बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आके अटकाया बिफोर नेक्स्ट ईयर। मेरे हिसाब से यहाँ से इट विल गो फॉर स्ट्रेंथनिंग दैट, एंड ये हर एक निवेशकों को नॉट ओनली बिलीव करना चाहिए, धीरे धीरे इसको इंटरनलाइज करना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि देर इज अ रिस्क टू इन्वेस्टिंग इन इंडिया, देर इज अ बिगर रिस्क टू नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। ये वो एक पड़ाव में आके हम लोग ठहरे हुए हैं। जो चुनाव के नतीजे पे देखेंगे, ये नॉइस पे जाएंगे, वो शायद उनसे मार्केट छूट जाएगा, बट ये जो कंट्री जो 3.5 ट्रिलियन से 6.5 ट्रिलियन जा रहा है, ये जर्नी अगर किसी को महसूस करनी है अपने ग्रोथ में, वो कैपिटल मार्केट्स के थ्रू है, और जो कैपिटल मार्केट्स में बैठा रहेगा या बैठे रहेंगे, उनको ही ये बेनिफिट आएगा। जब तक ये हम लोग महसूस या इंटरनलाइज नहीं कर सकते हैं, तब तक ये पूरा जो गेन है इंडिया ग्रोथ का, वो खुद के पोर्टफोलियो में नहीं आएगा। ये एक बड़ा रिस्क है, नहीं लेना। बिल्कुल, बदलते भारत और बढ़ते भारत की थीम पर आपको बेट लगानी है। एंथनी, स्वरूप की ही बात को आगे ले जाते हुए, अब पूरी तरह से अपने पोर्टफोलियो में आपको स्वदेशी हो जाना चाहिए। ऑनेस्टली आई थिंक लॉन्ग टर्म में एक चीज पे करती है, वो डिवर्सिफिकेशन, राइट? डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। काफी पिछले 6 महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स विल बी हायर फॉर लॉन्गर, बट मेरे राय में हमको इसमें कंप्लेसेंसी नहीं दिखना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम अगर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम फंड्स या लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में करना चाहते हैं, हमारे लिए टाइम है क्योंकि हायर फॉर लॉन्गर। तो मेरे राय में फिक्स डिपॉजिट या लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम फंड्स जो जेन्युइनली आउट परफॉर्म करते हैं जब आप पीक ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल में डालते हैं, टू माई माइंड एक एकदम इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया बनना चाहिए। दूसरी तरफ गोल्ड, टिपिकली हम ट्रेडिशनली इन्वेस्ट करते थे गोल्ड में, बट इन अदर फॉर्म्स, ज्वेलरी एटसेट्रा। नाउ देर आर ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स, गोल्ड ETF देखिए आप, RBI का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो एक्चुअली पहले बॉन्ड पिछले महीने मेच्योर हुआ था विथ अमेजिंग रिटर्न्स। तो मेरे राय में ऑब्वियसली इक्विटी ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years इज द लार्जेस्ट पोटेंशियल फॉर वेल्थ क्रिएशन, लेकिन मैंने जो कहा था, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, डिवर्सिफिकेशन। इवन जब आपको लगता है कि यही एसेट क्लास से सबसे बढ़िया रिटर्न आएगा, मेकिंग श्योर यू डी रिस्क टू सम डिग्री इन इन प्रपोर्शन की आपके गोल्स, आपके लक्ष्य क्या है, दैट टू माई माइंड ऑलवेज स्टेज। जैसे मैंने कहा था ये, और स्वरूप ने भी कहा था, ये बहुत बोरिंग सा चीज है, एंड एक्चुअली बोरिंग रहना चाहिए, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट एक्साइटमेंट इन एन एरिया जिसमें आपकी फैमिली की फ्यूचर की जो बेसिक चीज है, दैट विल गेट अफेक्टेड, राइट? एक्साइटमेंट सिनेमा से मिलती है, एक्साइटमेंट क्रिकेट देखने से मिलती है, एक्साइटमेंट क्रिकेट खेलने से मिलती है। इन्वेस्टमेंट से आप बोरिंग ही कीजिए, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पे फोकस कीजिए, डिवर्सिफिकेशन पे कीजिए, ये मेरा राय होगा। स्थिरता, और स्थिरता अनुशासन के जरिए आपको मिल सकती है, और ये बुनियादी बातें होती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन नीलेश जी, 89 स्वदेश पे ना हमने नारा लगाया था 21,000 का पिन कोड, ठीक है, अब क्या नारा लगाना चाहिए 24,000 का पिन कोड? जी, हमारे में एक कहावत है, मैं जी पहले गुजराती में बोलूंगा, जी निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। उसका कुछ हद तक हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे होता है कि अगर आप टारगेट को मिस कर जाओ वो चलेगा, लेकिन अगर आपका टारगेट नीचा है तो वो बहुत गलत बात है। जिंदगी में उम्मीद हमेशा आसमान को छूती हुई रखनी चाहिए, और फिर कोशिश करने चाहिए कि हम उस आसमान को छू सके। आसमान को नहीं छुएंगे तब भी जहां पे गिरेंगे वो ओरिजिनल टारगेट से काफी ऊपर ही होगा। तो मेरे हिसाब से ये 21,000, 22,000, 23,000, ये सब टारगेट क्यों रखने का? अमृतकाल है, 2047 का टारगेट रखते हैं। आज भारत की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, 2047 में हो सकता है वो 30 से 45 ट्रिलियन डॉलर के आसपास रहे, डिपेंडिंग अपॉन हम
किस तरह का काम करेंगे। यहां से 10 गुना इकोनॉमी बन सकती है डॉलर टर्म्स में। इकोनॉमी 10 गुना बड़ी होगी तो मार्केट कैप भी उसके आसपास ही रहेगा, चाहे 9 गुना बढ़े चाहे 11 गुना बढ़े। तो टारगेट 2047 का लीजिए, अमृतकाल का। ये 1-1 हजार के निफ्टी पॉइंट का टारगेट में तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहावत भी है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां जो इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही तो दिखता है। और इसीलिए आपकी जो जमीन है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, और वो मजबूत तब होगी जब आप अपनी बुनियादी बातों पर अमल करेंगे। तो स्वरूप, अब अमृतकाल की बात करें तो इसमें अब चाल थोड़ी सी, अगर मैं मार्केट कैप के लिहाज से समझना चाहूं तो लार्ज कैप लेड दिखाई देगी, क्या ऐसा हम भाप रहे हैं अभी? ये कविता एक बहुत, बिकॉज हम लोग ये देश में रहते हैं, इसके बारे में ज्यादातर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। 2002-03 की बात करें तो हम जब बात करते थे इंडिया की तो कहते थे इंडिया वॉज अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी। 2023 में बात कर रहे हैं इंडिया इज अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी। 2033 में भी बोलेंगे कि इंडिया इज अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी। ऐसा कोई एक कंट्री नहीं है। बहुत खुशकिस्मत है कि हम एक 30-40 साल का ग्रोथ स्टोरी के हिस्से में है। ये एक बहुत, अगर उस हिसाब से देखें तो अपॉर्चुनिटीज तो अक्रॉस मार्केट कैप है, ब्रॉड मार्केट में है। जैसे एंटी ने कहा, आप अगर बहुत थोड़ा एक्साइटमेंट चाहेंगे तो मिस्टेक्स होंगे, बट कोई भी स्ट्रक्चरल शेप ऑफ द मार्केट में अच्छे कंपनी देखेंगे तो लाइक नीलेश भाई स्टेलिंग, अगर 30-40 ट्रिलियन तक ये कंपनी, ये कंट्री जाएगा, तो आज तो जो लार्ज कैप दिख रहा है वो भी स्मॉल कैप दिखेगा इन फ्रॉम अ 2047 परस्पेक्टिव। तो उसका पोटेंशियल है, आप ध्यान में रख के अपना जो एसेट एलोकेशन है उस पे ध्यान दे, रादर देन सीकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप। लास्ट 2 साल से शायद छोटे कंपनीज चले हैं, इसलिए लार्ज कैप थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। और शायद जब FII के पैसा आता है तो ये 2-3 दिन में दिखा कैसे ऊपर के मार्केट भाग सकता है, और सडनली निफ्टी कितना शॉर्ट टाइम में कितने छोटे पैसे से मूव कर सकता है, ये सबके सामने 2-3 दिन में दिखा है। तो वो ही पोटेंशियल है। पोटेंशियल अभी भी बिटवीन नाउ और जब खरीदारी होगी इंडिया के फ्रॉम एन FII और लार्ज मार्केट परस्पेक्टिव, अभी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अक्रॉस मार्केट कैप्स। यस, जो आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत सहमत हूं कि जो लोअर कंपनीज में उसमें थोड़ा वैल्यूएशन सोच समझ के करना चाहिए। जो रिटर्न आ गए हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के हैं, आपके नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज अगर देखें मेरे हिसाब से, और ये हमारा हाउस व्यू भी है, थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड लार्ज कैप की तरफ झुक तो रहा है, नो डाउट अबाउट। फंड हाउसेस के अलग अलग क्या व्यूज हैं, आप तीनों से मैं पूछना चाहूंगी। लेकिन एंथनी सर, स्वरूप की ही बात को आगे ले जाते हुए, अब अगर आपके पोर्टफोलियो को आपको रिवैम्प या रीशफल या नई शक्ल देने के बारे में पूछा जाए, तो जिस तरह से ब्याज दरें घटने का श्री गणेश होने का आकलन किया जा रहा है, संभावनाएं बताई जा रही हैं कम से कम विदेशी बाजारों में, उनके मद्देनजर क्या करेंगे? डेट सोने को लेकर थोड़ा सा एलोकेशन क्या बढ़ाने का समय आ गया है, क्या ऐसी सलाह दी जा सकती है? जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डेट और गोल्ड में आपके गोल्स के हिसाब से जो एलोकेशन होनी चाहिए वो आप कीजिए। ये मत कीजिए क्योंकि इक्विटी मार्केट्स 20% बढ़े इसलिए आप करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस कुछ चीज होती है, राइट? एंड ऑनेस्टली अगर इक्विटी की भी बात करें बिटवीन स्मॉल मिड एक्सेट्रा, अगर आप डेटा को देखेंगे लास्ट 10-20 साल में, इवेंचुअली मैं एक ही स्टेटमेंट में सबका टाइम आता है, स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप IT फार्मा कैप गुड्स, ये आप बियॉन्ड अ पॉइंट ये सब चीज के लिए आप ज्यादा इंटेलिजेंस लगाओगे तो आप हार जाओगे। टिपिकल डिवर्सिफाइड मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड को आपका मेन इन्वेस्टमेंट रखिए, या मुझे लगता है कि एक हमारी इंडस्ट्री ने स्पेशली लास्ट 1 ईयर से एक बढ़िया प्रोडक्ट कैटेगरी को काफी सारे पुश किया है, विच इज मल्टी एसेट फंड। टू मी ये सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट होगा जिसपे एक्विटी बेस्ड ऑन सम पर्सपेक्टिव की वैल्यूएशन कैसी दिख रही है,
गोल्ड और फिक्स्ड इनकम, मेरे हिसाब से दिस वुड बी, अगर आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है तो मल्टी एसेट फंड्स टू मी इज द आइडियल फंड फॉर एन इन्वेस्टर टू थिंक अबाउट इन 2024। अब क्योंकि आप तीनों हमारे साथ हैं और हमारे जो दर्शक हैं, खैर लंबी अवधि पर तो हम हमेशा उनको सलाह देते ही रहते हैं, लेकिन छोटी और मध्यम अवधि के लिए भी कुछ ना कुछ सलाह वो आप तीनों से चाहेंगे ही। नीलेश सर, अगर मैं 2024 को 6 महीनों में विभाजित कर दूं, या अगर चलिए नतीजों से पहले तक, तो चुनाव नतीजों से पहले तक कौन कौन से सेक्टर्स आपके रडार पे रहेंगे, और नतीजों के बाद कौन कौन से सेक्टर्स फंड हाउस के तौर पर ही आपके रडार पे रहेंगे? तो कविता, चुनाव के नतीजों से हमारे सेक्टरल व्यू के ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव से इकोनॉमी के डायरेक्शन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए ऐसा नहीं लगता। जो सरकार की प्रायोरिटीज है वो बनी रहेगी। सेकंड, सेक्टर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर, प्रमोटर या मैनेजर, उसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप कोई बहुत अच्छी गाड़ी खरीदे बट ड्राइवर अनाड़ी हो तो उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं मिलता। वैसे ही अच्छे सेक्टर में बुरा प्रमोटर हो तो आपका रिटर्न बनना मुश्किल है। विद दोज टू कैवियट्स, इस वक्त हमें लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने मार्केट को काफी अंडर परफॉर्म किया है। अब वहां पे बार्गेन दिख रहा है एंड आने वाले 12-18 महीनों में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। दूसरी जो एक थीम है वह रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। तकरीबन पिछले 10 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर कुछ कारणों की वजह से डी ग्रोथ हो रहा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टू जीडीपी कंट्रीब्यूशन, और अब वहां पे एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो गई है। पिछले 2-3 सालों से धीरे धीरे करके रियल एस्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बढ़ रहा है। हमें लगता है हाई सिंगल डिजिट से वो डबल डिजिट कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ सकता है, और इसीलिए इस क्षेत्र का ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा रहेगा। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्षेत्र को खेलने के लिए, निवेश करने के लिए आपके पास कई साधन है। बिल्डिंग मटेरियल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायर्स, इक्विपमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये एक सेगमेंट ऐसा है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। एक सेक्टर जिसके ऊपर आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और इसीलिए हम आंख कान खुले रख के उस क्षेत्र की सारी गतिविधि को देख रहे हैं, वह है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, दैट मीन्स कंपनीज को खुद को भविष्य के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। सेकंड, ग्लोबली बहुत सारी जगह पे हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्षेत्र में रिट्रेंचमेंट चालू है, बड़ी बड़ी कंपनीज काफी लोगों को निकाल रही है। तो हम ये दो परिस्थितियों को देख रहे हैं कि कब भारतीय कंपनी आईटी क्षेत्र में रिक्रूटमेंट चालू करे और क्लब ग्लोबल कंपनीज टेक बजट बढ़ाए। अगर नेक्स्ट 3-6 महीनों में इनके ऊपर हमें कोई प्रावधान मिलेगा तो टेक क्षेत्र में भी हम निवेश करने की सोच रहे हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अच्छे प्रमोटर में निवेश करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल स्वरूप, फंड हाउस के तर्ज पर भी समझना चाहेंगे, क्षेत्र जो आपके लिए ओवरहीट हो चुके हैं और एक रेड फ्लैग की तरह उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कविता जी, इस वक्त जैसे स्वरूप ने बताया था, कुछ स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिनी कैप है जहां पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। अगर इन सभी के बीच में एक कॉमन फैक्टर देख ले तो वह लो फ्लोटिंग स्टॉक है।
जब फ्लोटिंग स्टॉक कम हो और कुनी किसी हाथों में हो, तो वहां पे रिलक्टेंट सेलिंग की वजह से प्राइसेस और वैल्यूएशन ऊपर चले जा सकते हैं। हम ज्यादातर उस प्रकार की कंपनीज में निवेश करना अवॉइड कर रहे हैं। अच्छे प्रमोटर हो, अच्छा क्षेत्र हो और प्राइस या वैल्यूएशन ओपन मार्केट डिस्कवरी के साथ हो, ना कि लिमिटेड फ्लोटिंग स्टॉक के ऊपर हो, वहीं पे निवेश कर रहे हैं। स्वरूप, आपके पास आना चाहूंगी और हाउस व्यू उन सेक्टर्स को लेकर जो आपके रडार में हैं और जो आपके मुताबिक रेड फ्लैग्स के तौर पे उभर रहे हैं। स्वरूप कविता, क्वेश्चन किसके लिए है? जी, सॉरी, स्वरूप एक आपके लिए। ओके ठीक है। हमारा हाउस व्यू तो एक काफी दिन से ये कहना, निवेशकों को ये बार बार कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ अ सेक्टर, अगर आप सैटेलाइट में उसको थीम में बदलें तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। जैसे आप फार्मा देखें तो वो सेक्टर हो जाता है, वो साइक्लिकल हो जाता है, बट अगर आप उसको हेल्थ केयर में कन्वर्ट करें, एक ब्रॉड थीम हो जाता है। और थीम्स सस्टेनेबल होते हैं। जैसे कंजम्पशन, सपोज 15-16 साल पहले जो इंडिया का स्टोरी था, वो आज के डेट में एक री रेट हो रहा है, बिकॉज जो आपके नीड और वांट्स में फर्क आ गया है, और जिसको हम कंज्यूमर स्टेपल्स कहते हैं और डिस्क्रिशनरी कहते हैं, और पोस्ट कोविड वही इंडियन आके थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ा रहा है। तो इंडिया जो है एक लो कंज्यूमर से मिड एंड हाई लेवल कंज्यूम्पशन तक जा रहा है। तो एवरी सेक्टर, जो कोर सेक्टर्स हैं, उनको अगर थीम में बदलें, जैसे बैंकिंग, जब मैं करियर चालू किया था 90s में, इन म्यूचुअल फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में लिखा जाता था बैंक्स, फिर उसके बाद बैंक्स एनबीएफसी आए, फिर बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल्स, अभी बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल्स फिनटेक हो गए हैं। और ये एक एक बेस बनता है फॉर अ फ्यूचर ग्रोथ। जो 4-5 ग्रोथ सेक्टर्स हैं हमारे, जो कंट्री के बेसिक थीम्स हैं, विच इज बैंकिंग, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, इंफ्रा बोला जाता है बट थोड़ा बहुत फ्लैटर करता है डिसीव के लिए, बट ये जो 3 सेगमेंट है, और उसमें एक बहुत अच्छा चेंज आया है, इज द चेंज ऑफ इंडिया टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। अगर अर्ली एक थीम को कैच करना है तो हमारा हाउस व्यू है मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट 15-16 ईयर्स जो आज से लेके बैठ जाएगा, वो शायद बहुत, ये जो राइड होगा इंडियाज और दिस चेंज ऑफ दिस बिग जायंट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, उसका लाभ हो सकता है। बट लाइक एंटनी सेड कि ये सब भूल के आई वुड से दैट स्टिक टू द कोर साइड एंड पिकअप। अगर एक चेक देना है कोई इन्वेस्टर को तो एक मल्टी कैप को दें, क्योंकि स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। 25-25-25 लार्ज, मिड और स्मॉल में डालना ही पड़ेगा फंड मैनेजर को। तो अगर मेरे हिसाब से किसी इन्वेस्टर को एक चेक देना होगा पूरा बाजार कैच करने के लिए, वो है मल्टी कैप। बट अंडरलाइंग अगर कविता है, अगर आप देखें तो ब्रॉड आरबीआई डेटा ऑफ 21-22 ये कहलाता है कि एक इन्वेस्टर का अभी भी 50-55% फाइनेंशियल एसेट्स बैंक्स में है और अनदर 12-13% कैश इन हैंड है पोस्ट डिमोनिटाइजेशन। ये कहना चाहता हूँ कि 60-65% एक एवरेज इंडियन का सेफ एसेट्स की तरफ झुका हुआ है, और वहाँ जो हाइब्रिड कैटेगरी है वो भी एक बहुत अच्छा रिस्क मिटिगेटेड कैटेगरी है। जब हम निवेश करना शुरू करते हैं तो लगता है ये रिटर्न जनरेटिंग जर्नी है, बट धीरे धीरे जब मेच्योर करते हैं तो एक रिस्क मिटिगेशन का जर्नी बन बन जाता है। जो निवेशक अपना खुद का रिस्क के साथ अपना पोर्टफोलियो जुड़ा सकता है, उसी का ही इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर होता है। तो वो सब देख के एसेट एलोकेशन करें। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, जब एक छोटा पार्ट ऑफ द मार्केट हीटेड हो जाता है तो बाकी मार्केट खुल जाता है फंड मैनेजर को। तो इसलिए आप एक जब एक फंड मैनेजर को चुने तो फंड मैनेजर को ये करने दें, और फंड मैनेजर पे प्रॉफिट बुक ना करें। ये एक बहुत ही अच्छा कंट्री है टू स्टे इन्वेस्टेड। जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो सकता, आप रिव्यू बेशक करें, बट डोंट बिकम अ फंड मैनेजर ओवर अ फंड मैनेजर। बहुत खूब एंथनी जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं नीलेश जी और स्वरूप की बातों से और आपके हाउस व्यूज। तो ब्रॉडली सिमिलर, लेकिन मैं थोड़ा सा एक अलग सा व्यू देता हूँ। जी हमारा फंड हाउस का व्यू, एक्चुअली फंड हाउस का व्यू नहीं, हम जो फंड मैनेजर हम साथ में बात करते हैं, एक थॉट रिसेंट मंथ्स में ये आई है कि मे बी लास्ट 20 साल से पहली बार ये हुआ है कि फ्रेंकली एक सेक्टर को कॉल आउट करने की ये अच्छा करेगा और सेक्टर को कॉल आउट करे कि ये सेक्टर अच्छा नहीं करेगा,
बहुत डिफिकल्ट सा चीज हो गया है, बिकॉज आप देखिए इंडिया का अपॉर्चुनिटी जो अगले 5-10 साल में मिनिमम जो होगा, आप देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग PLI एक्सेट्रा से क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो अपनी युवाओं की जो इनकम्स का जो स्प्रेड है उससे जो कंजम्पशन की क्या इम्पैक्ट है। तो हमारी राय है कि बियॉन्ड थिंकिंग की आप कौन सी सेक्टर अच्छे लगने लगा है या अच्छे नहीं लगने लगा, इट इज इजियर टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि बिजनेस को समझना, वो बिजनेस की जो ग्रोथ पोटेंशियल है, उनकी जो वैल्यूएशन पे जो अवेलेबिलिटी है वो क्या सही है, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, हमारे राय में बेटर होगा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए। और अब मैं ये फंड मैनेजर के तौर से कह रहा हूँ, जैसे स्वरूप ने सही बोला कि इन्वेस्टर को आप प्रोडक्ट चूज कर दीजिए जैसा मल्टी कैप या मल्टी एसेट, और फिर आप शांत रहिए। अगर मैं रिस्क कहूं, हमें लगता है वो है कि जितने जो प्रपोर्शन डेरिवेटिव्स और FNO में जो ट्रेड हो रही है हमारी मार्केट में, हमें उससे रिस्क लगती है, क्योंकि ये सबसे आई वुड से एंड ऑल ऑफ अस आर ऑन बोर्ड कि 4 करोड़ इंडियन ने म्यूचुअल फंड में विश्वास रखा है, उससे तो काफी गुना इंडियंस रोज FNO में 24 आवर्स और 48 आवर्स व्यू के साथ 90% टाइम पैसे खो जाते हैं, राइट? तो मेरे राय में जो FNO डेरिवेटिव्स करते हैं उनको फ्रैंकली एक दिन बैठ के PNL बनना बनाना चाहिए, पूरे एक पिछले 1-2 साल का खुद का PNL बने, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि अगर आपको जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट करना है तो फिर ये आप कौन से सेक्टर्स अच्छे लगेंगे, कौन से FNO पोजीशन में कॉल लेना चाहिए, कौन सा पुट लेना चाहिए, कल किसने क्या बोला, वो सब चीजें से तो वेल्थ बनता नहीं है। तो मेरे समरी में ये बोलना चाहूंगा कि पॉइंट नंबर 1, अनयूजली हमको कोई सेक्टर में नेगेटिविटी नहीं लगता है, अगर कोई फैक्टर है उसमें वो एक वैल्यूएशन है। दूसरी चीज, अगर आप बियॉन्ड सेक्टर्स और स्टॉक्स करें तो थोड़ा जो FNO पोजीशंस बिल्डअप हो जाते हैं कई कई स्टॉक्स में, वो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको ये सोचना है कि मैं फंड मैनेजर के नाते मैं इस स्टॉक पे 5 साल का व्यू लेके चल रहा हूँ, लेकिन मेरा 1 रुपए के बदले 99 रुपीज लोग वही स्टॉक का FNO किया है 24 आवर्स का व्यू लेके, राइट? एंड समटाइम्स जब कोई अनफॉर्चुन इंसिडेंट होगा तो देन थिंग्स बिकम वॉलेटाइल, नॉट जस्ट FNO के लिए लेकिन नॉर्मल। तो मुझे लगता है अगर कोई रिस्क है वो ये नहीं है कि सेक्टर को आपने बराबर चुना नहीं है, स्टॉक आपको बराबर चुना नहीं है। आई थिंक द रिस्क इज फ्रॉम ट्राइंग टू बी, जैसे मैंने बोला, आप बोरिंग चीज नहीं करना चाहते हो, आपको एक्साइटिंग करना है, रोज का 10,000 आपको कमाना है, 50,000 कमाना है, उस एक्साइटमेंट के तौर पे फी लॉस होता है। चलिए, निवेश विकल्प का चुनाव, उसमें भरोसा और नियत, मेरे ख्याल से ये बुनियादी बातें जो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में और ऐड कर देनी चाहिए। चर्चा को समेटना चाहती हूँ मैं, लेकिन आप तीनों से एक एक कॉमन सवाल जाते जाते यही पूछना चाहती हूँ। नीलेश जी, शुरुआत आपसे करूंगी। 2024 का भारत, अगर किसी एक शख्स के तौर पर आपको कहा जाए कि आप सोचें, तो वो शख्स कैसा होगा? 2024 का भारत। कविता जी, हमें हमेशा कहा गया है कि भारत भारत माता है, बस 2024 का भारत भी माता की तरह ही होगा। अपने बच्चों की खुशहाली के लिए वो सारी परेशानियां झेल लेगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारत बस हमारी माता की तरह ही हमें फलने फूलने में मदद करता रहेगा, चाहे उसके ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, कितने भी विटमनाएं आ जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वरूप, 2024 का भारत एक शख्स के तौर पे आपके लिए कैसा होगा? आई थिंक वो शख्स मैं चुनूंगा विराट कोहली, क्योंकि अच्छा, एक फियरलेस भारत अभी एक शुरुआत कर रहा है, एंड ही एपिटोम्स फियरलेसनेस। जब जी हार्डशिप आते हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ते हैं, उसको साथ में लेके कैसे आगे बढ़ता है एक आदमी, उससे सीखता है एंड एंड डरता नहीं है वो किसी से। सो आई थिंक वो एक जो बदलाव आया है, इंडिया टू टेक अ लीडरशिप पोजिशन यहाँ से,
इन द वर्ल्ड कौन सोच सकता था कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे जापान और जर्मनी से आगे, और जब ये पोजीशन जब लेंगे तो एक लीडर जैसा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आई विल एसोसिएट विद विराट। एंथनी सर, आप बताएं 2024 का भारत किस शख्स की तरह देखना चाहेंगे? तो आई वुड एक्चुअली मैं पिक करूंगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, स्टैंडिंग टॉल, स्टैंडिंग प्राउड, लुकिंग ओवर एंटायर इंडिया, एवरी इंडियन यूनाइटेड की अगले 5-10 सालों में, या जैसे नीलेश भाई ने पहले कहा था 2047 अमृतकाल में, यूनाइटेड इंडिया विल टेक हर राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। दैट आई वुड से मेरे हिसाब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काइंड ऑफ एग्जाम्पलीफाइज दैट, स्टैंडिंग टॉल एंड प्राउड। चाहिए, कुल मिलाकर हम सब यही चाहेंगे, यही कामना करेंगे 2024 इतिहास कामयाबी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला और मार्गदर्शन किया दर्शकों का इस खास पेशकश के जरिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।